ये आमिर ने एक बलोच बुजुर्ग बनाए जिनकी मूछें हम सबको बहुत पसंद आ गई। ये चश्मा ढूंढ रहा है, इसको चश्मा चाहिए और मुझे हेलमेट चाहिए। हेलमेट कहाँ है हेलमेट? ये रहा। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है, तो इस बर्थडे के मौके पर स्टेट बैंक वालों ने हमें लाइव पेंटिंग सेशन के लिए बुलाया है, तो हम अभी लाइव पेंटिंग सेशन का आगाज़ करेंगे और इसमें मैं भी शामिल होऊंगा। आर्टिस्ट के तौर पे मुझे भी बुलाया गया है। तो पीछे जो आप देख रहे हैं वो कुर्सियाँ लगा दी हैं, तो अभी हम वेट कर रहे हैं 11 बजने का। अभी 11 नहीं बजे, जब 11 बज जाएंगे तो हम लाइव पेंटिंग सेशन का आगाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अज़्ज़ोबज़ अभी सब ने कुर्सियां लगा ली हैं, अभी शीट रख रहे हैं। अभी शुरू नहीं हुआ लाइव पेंटिंग सेशन, अभी होगा क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं। और तो मेरे साथ मेरा भाई है जिसका नाम इलियास है, ये मेरी वीडियो बनाएगा जब मैं लाइव पेंटिंग सेशन का हिस्सा बनूंगा। अभी सब बैठना शुरू हो गए हैं, अभी मैं भी अपनी सीट पकड़ लूंगा थोड़ी देर में। पहले मौसम दिखाओ, कितना अच्छा मौसम है, बारिश का मौसम है, दिखाओ ऊपर स्पेशल थैंक्स टू जोगी साहब एंड करीना जो अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं। ये भी पैगाम है कि एनी टाइम पीपल वांट टू हैव योर सोलो एग्जीबिशन, यू मोस्ट वेलकम। आप अपना काम लाएँ, हमें बताएं कि आप एग्जीबिशन करना चाहते हैं। एक हमारा प्रोग्राम है आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, तो हर साल हम लोग वो भी अनाउंस करते हैं, उसमें एक यंग आर्टिस्ट लेते हैं और एक सीनियर। इस साल हमारा तीसरा प्रोग्राम होगा आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, उसमें हम तकरीबन 3 लाख रुपये देते हैं आर्टिस्ट को, प्लस हम अपना मटीरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तैमीना बाजी, ये हमको पैलेट मिली है, ये कलर नहीं मिले हमको अभी, मिल गए। तो भैया हमको ब्रश तो मिल गए मगर हमें पैलेट भी मिल गया, कलर नहीं मिले। अच्छा, तो ये कलर पड़े हुए हैं ऑयल पेस्टल और वाटर कलर। ये कौन से कलर है? ऑयल पेंट चाहिए, क्या चाहिए? ऐसे, वेरी गुड। चलो बना लिए, ठीक है जी। अभी मैं इसको कलर करूँगा ऑयल पेस्टल से। ऑयल पेस्टल ये देखो, ऑयल पेस्टल। अभी मैं इसको कलर करूँगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, लगे रहो। अब इसको धूप लग रही है भाई। ऐसा नहीं।
भैया जूरी हो रही है, तो जूरी वाले हमें नंबर देंगे, हमें 8 बजे तो देखते हैं किसका अच्छा होता है। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं, तो वही हमें रिफ्रेशमेंट के लिए ये मिला है, बिस्किट, समोसे और केक, और ये भी खा रहा है। कैसा लग रहा है मेरे साथ आके? थोड़ा सा ये ऐसे घूमती रहती है, ये रोजाना ऐसे ही घूमती रहती है। तो हमने कोशिश की है अपनी तरफ से, हम तीनों ने, अब्दुल जब्बार गुल हैं, ये हमारे मुल्क के बहुत नामवर स्कल्प्टर भी हैं, पेंटर भी हैं। ये आमिर ने एक बलोच बुजुर्ग बनाए जिनकी मूछें हम सबको बहुत पसंद आ गए। सबको अपने अपने प्राइज मिल चुके हैं और अभी स्पीच हो रही है आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट की। तो हमारा जो इवेंट तो अभी ख़त्म हो चुका है, हम इसके साथ आए थे तेमिना बाजी के साथ। तेमिना ने हमें बुलाया था कि आ जाओ, और हमने फर्स्ट पोजीशन मेरे सर्टिफिकेट ली। और ये हमारे बहुत अच्छी सीनियर आर्टिस्ट हैं, और आर्ट काउंसिल में साथ पढ़ती थी, ये सीनियर थी, हम जूनियर थे, और बहुत अच्छा साथ दिया हमारा इसने, बहुत अच्छा साथ दिया। 2 साल के बाद इसने हमको याद किया। थैंक यू, दोस्तों को याद, अच्छे दोस्तों को भूलते नहीं। थैंक यू वेरी मच, हमेशा याद रखते। तो ये देखें, स्टेट बैंक में पुराने सिक्के बने हुए, बहुत बड़े जबरदस्त। ये मैंने 2 रुपए चलाए, ये 2 रुपए इस्तेमाल किए, 1 रुपया भी इस्तेमाल किया है मैंने। वाह, पेंटिंग लाइव सेशन जो था 25 दिसंबर था, आज आजम की बर्थडे थी इस वजह से। तो अभी हम बाइक पे आए हैं, अभी जाएंगे घर पे, बाइक नहीं, पहले होटल पे चाय पियेंगे 2 कट। अच्छा, तो फिर घर जाएंगे। ये हमारी बाइक खड़ी है, इस पे बैठ के हम इधर से निकलेंगे, स्टेट बैंक से लग रहे हैं बहुत। फिर जाएंगे हम किधर? घर, सीधा घर ही चले जाते हैं, बहुत थक चुके हैं यार, चलते हैं घर, चलते हैं। सो गाइस, नाउ वी आर एट होम। तो घर आने के बाद अनबॉक्सिंग करनी है इसकी। फर्स्ट पोजीशन में जो मिला है हमको, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान म्यूजियम, ठीक है, इसका नाम निज़ाम है, आपने इसको देखा होगा जो इससे पहले मेरा जो व्लॉग था। तो इसमें से जो निकला है वो ये दिखाओ, ये तुम रख लेना, और ये बटवा निकला है, देखते हैं इसमें से कुछ कैसे हैं या खाली। ये फर्स्ट पोजीशन आई है हमारी, देखो भैया ये देखो फर्स्ट पोजीशन, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। किस चीज़ में फर्स्ट पोजीशन, क्या किया था वहाँ पे? मैंने लाइव पेंटिंग सेशन किया ना, उसमें से फर्स्ट पोजीशन आई है। अच्छा, इसको तकरीबन बहुत साल हो गए, अभी मैं इसमें सारी चीज़ें रखूँगा, ये पुराना हो गया। था हमारा ये आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं क्या बोलूँगा, कुछ तो बोलो। कुछ मैं कुछ क्या बोलूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।